गुड मॉर्निंग माय सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट एमकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट और इसके साथ ही वी शुड स्टार्ट अवर कस्टम क्लास. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्च एंड सीजर अरेस्ट. ठीक है, ये डिस्कस किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सीजर ऑफ गुड्स क्या होता है. ठीक है, पैरिशेबल गुड्स क्या होता है एंड पैरिशेबल गुड्स अगर सीज की जाती हैं तो उसके लिए क्या होता है कि पैरिशेबल गुड्स की चीज़ों को एकदम बेच दिया जाता है क्योंकि अल्टीमेटली अगर उनको हम सीज करके चलेंगे तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएंगे तो किसी के बिना रहेंगे. उनको सीज करने के बाद पर पैसा जो होता है वो अपनी कोर्ट के पे रखा जाता है कोर्ट के बाहर जब तक कि भाई केस का डिसीजन नहीं आ जाता. अगर वो बंदा गलत निकलता है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसको पूरे पैसे को अपने राजकोष में ट्रांसफर कर देती है. और जितना भी क्या कहते हैं आपका अगर वो बंदा सीज निकलता है तो अपने खर्चे काट कर जो भी ऑप्शन में सरकार के पैसे लगे होते हैं वो काट कर सारा पैसा दे देती है. कॉन्फिस्केशन पेनल्टी हाईलाइट देखो. कॉन्फिस्केशन ठीक है, सेक्शन 112 पेनल्टी ठीक है, एक्सपोर्ट बनने से कॉन्फिस्केशन 112. ड्यूरेबल फॉर हैप्पी गुड्स अनअप्लाइड तो सीधी सी बात है. एक बात अगर इन्होंने साफ साफ क्या कर रखा है, मना कर रखा है कि जो आपकी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जो आपकी क्या होती हैं ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और फॉर हैप्पी गुड्स होती हैं उनको एक आप लोगों को मैं बता दूँ. अगर हम बाहर से कोई भी सामान का पैकेज लेकर आ रहे हैं ठीक है, तो उसमें दो चैनल होते हैं लाने के लिए, तो तीन चैनल होता है और एक रेड चैनल होता है. अगर आपकी वो जो गुड्स है वो ड्यूटेबल नहीं है तो आप ग्रीन चैनल से डिक्लेरेशन, ग्रीन चैनल पर डिक्लेरेशन करेंगे और आप आ जाएंगे ठीक है, और आपको कुछ बिगड़ने की जरूरत नहीं. बट अगर आप कोई ड्यूटेबल आइटम लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटी लगनी है और तब भी आप ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं तो उस केस में फिर आपके ऊपर क्या है कॉन्फिस्केशन पेनल्टी क्या होगी इम्पोज ठीक है. एंड अनअथराइज्ड सीधी सी बात है, कोई एक तो ड्यूटेबल गुड्स जिसके ऊपर आप पैसे नहीं पे करना चाहते और एक जैसे कि जो गुड्स हमारी कंट्री के अंदर क्या नहीं अलाउड लाने ठीक है. तो एक तो सबसे बड़ी इम्पोर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ठीक है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई भी ऐसी चीज जो ड्यूटेबल है या प्रोहिबिटेड है. रूट रूट मैंने आपको बताया था कि अगर अभी भी हम कस्टम रूट के अलावा किसी और रूट को एक्वायर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सरकार उसको इतने से भी मतलब सरकार उस पर इतने से भी आपको क्या नहीं करता, छूट नहीं देता ठीक है. लैंडिंग प्लेस बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको वहाँ पर रूट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी सामान आपका दो प्लेस होते हैं बर्थिंग प्लेस और लैंडिंग प्लेस. वर्किंग प्लेस होता है जहाँ पर जाके टिकता है अगर आपका शिप और लैंडिंग प्लेस होता है जहाँ पर आपको लैंड करना होता है. फिर उसके बाद आपको क्लियरेंसेस लेनी होती है ठीक है, वेयर हाउस की अगर आपको वेयर हाउस में लेकर जाना है या कस्टम एरिया पे लेकर आने जहाँ पर ठीक है. अगर आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू आर कवर्ड अंडर क्या आपका पेनल्टी, आपको क्या पेनल्टी क्या करनी पड़ेगी क्लियर करनी पड़ेगी. एंड कॉन्ट्री टू बैगेज रूल मैंने आपको बता दिया, रेड चैनल ग्रीन चैनल ठीक है. अंडर वैल्यूड लेस ड्यूटी पेड बाय रॉन्ग क्या आपको नोटिफिकेशन क्लासिफिकेशन अगर कभी भी ऐसा होता है तो आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ती है पेनल्टी बियर करनी पड़ती है. अभी उन्होंने बोला कॉन्फिस्केशन पेनल्टी हाईलाइट पेनल्टी को शॉर्ट ले लिया. अगर आपने कम ड्यूटी लगाई या फिर अगर आपने क्या कहते हैं नॉन लगाई नहीं क्या करके फ्रॉड करते या फिर बिल्कुल तरीके से आपने मिसिंग स्टेटमेंट देकर इक्वल टू ड्यूटी एंड इंटरेस्ट ठीक है, मतलब ड्यूटी भी और उसका इंटरेस्ट भी. इफ ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी वॉलंटरी पेड विद इन 30 डेज ठीक है, तो उस केस में आपको केवल क्या करना होगा 25% ड्यूटी और इंटरेस्ट का करना होगा पे करना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया मतलब आपने कोई बदतमीजी दिखाई तो डेफिनेटली क्या होगा फिर तो ये है ही आपके ऊपर. मतलब अगर आपने वॉलंटरी पे नहीं किया और अगर आपने 3 दिन के बाद तो अल्टीमेटली फिर तो आपको क्या कहते हैं जो कस्टम ऑफिसर है वही करेंगे. नो पेनल्टी अगर द 44 क्लॉज इन रोक अच्छा लॉ के चेंज होने के कारण अगर आपको क्या करना पड़ रहा है मतलब अगर आपने कम लगाई या फिर आपको पता नहीं चल पाया ठीक है लॉ ने इस तरह से चेंज किया ठीक है. एंड पास मिसलेडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन आपको 5 टाइम होगा बिल्कुल साफ साथ. यहाँ पे 25% अगर आप मिसलेडिंग डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आपको जितने भी गुड्स है उसके उसका 5 गुना पे करना पड़ेगा. अब आता है कॉन्फिस्केशन पेनल्टी. देखिए सीधी सी बात है मैं आपको बताती हूँ, एक बार कभी की केस है. एक बार क्या कहते हैं जो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने सरफरोश मूवी देख रखी है तो उसमें आप लोगों को पता है जो तस्करी की जाती है मतलब जो स्मगलिंग की जाती है ठीक है वो किया जाता है बेटा रूट के द्वारा. तो क्या कहते हैं एक बार ऐसा ही हुआ कि वहाँ के मतलब जो जैसलमेर वगैरह वहाँ से क्या कहते हैं आपका तो पाकिस्तान का बॉर्डर वगैरह लगता है ठीक है, तो वहाँ से क्या किया जा रहा था आपका स्मगल किया जा रहा था. तो स्मगल में अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं ऊँट के ऊपर सामान बेच बेच कर और ऊँट को वो रास्ता से बता देते हैं और वो उसी रास्ते से क्या करता जाता है. तो पर इस बीच में जो कस्टम ऑफिसर्स हैं ठीक है जो मतलब बेसिकली लैंड पे कस्टम ऑफिसर्स हैं उन्होंने पकड़ लिया ठीक है. तो अल्टीमेटली ना केवल उन्होंने सामान को जब्त किया बल्कि उन्होंने कन्वेंस को भी क्या कर लिया कॉन्फिस्केट कर लिया. क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो सामान आप ड्यूटेबल है प्रोहिबिटेड है तो जिस चीज़ के साथ वो आप क्या कर रहे हो चोरी करने की कोशिश कर रहे हो तो ना केवल चोरी हुआ का सामान क्या किया जाता है ऐसा
बल्कि अगर ट्रक के थ्रू होती है या शिप के थ्रू होती है तो उसको भी क्या कर लिया जाता, सरकार की तरफ कॉन्फिस्केशन कर लिया जाता है। वो तो बात की बात है कि जिसका वो क्या कहते हैं भाई कन्विंस है, अगर उस बंदे का ये बंदे ने क्या किया है, गलत किया है, ठीक है, तो फिर तो कोई मतलब सुनवाई नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर मान के चलिए कि उसने ये जो सब चीज़ें थी वो ट्रांसपोर्ट कमी से क्या की थी, हार की थी, तो डेफिनेटली अगर ट्रांसपोर्ट कमी इस बात को क्या करते, प्रूव करते कि भाई मुझसे छुपा कर ऐसा किया गया था, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अगर वो प्रूव कर देगा तो कन्विंस को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ऑल्टर फॉर कंसीलमेंट देख लिखा मैंने देखो, जैसे कि कंसील चोरी करने के लिए अगर ऑल्टरेशन करना, फोन बुट्स ओवर बोर्ड मैंने आपको बताया था, ये कई बार क्या होता है शिप में बहुत हैवीपन हो जाता है, या फिर जिन चीज़ों को बाहर से आप बिना बिल के क्या कहते हैं लेकर आते हो, ठीक है, तो उस केस में अल्टीमेटली क्या होता है उसको अगर हम क्या कहते हैं शिप में भेज क्या कहते हैं उन रूट से तो भेज देते हैं, जो कि पोस्टल कस्टम रूट के पास नहीं पहुंचेंगे, तो उस केस में भी वो कंसील कर ली जाती है सरकार के द्वारा, आस्क टू स्टॉप बट डिसओबे बिल्कुल, या फिर अगर आप कस्टम रूट का ना को फॉलो ना करके किसी और रूट से आ रहे हो और आपको बार बार बोला जा रहा है रुक जाओ रुक जाओ, और आप डिसओबे कर रहे हो, एंड कन्वेंस एंटरिंग इंडिया एज सब्सटेंशियल गुड्स मिस ओइंग, ठीक है, एंड आपका कन्वेंस फ्रॉम ठीक है विच WHD गुड्स, अच्छा जो बेटा वो होती है ना आपकी रैपिड गुड्स ड्रॉबैक एक्सपोर्ट गुड्स अनऑथराइज्ड अनलोडेड कन्वेंस यूज फॉर स्मगलिंग गुड्स, ठीक है, तो अगर ऐसा होगा ठीक है तो उस केस में क्या होगा आपका क्या कहते हैं आपके गुड्स को जिस भी चीज़ के साथ वो आ रहे होंगी वो बंद हो क्या कहते हैं मतलब उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केशन मतलब क्या है, वो सरकार दे जाएगी उसकी पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एक्सप्रेसली मेंशन कॉन्फिस्केशन ऑफ द पैकेज एंड देयर कंटेंट, ठीक है, इंपोर्ट सिचुएशन आल्सो बीन एप्लीकेबल टू सेंट्रल एक्साइज विद द सूटेबल नोटिफिकेशन, सेंट्रल एक्साइज नाउ कन्वर्टेड इनटू आपको पता ही है जो सेंट्रल एक्साइज है, अब वो किसमें आ गया है आपका, किसमें कन्वर्ट हो चुका है आपका GST, ठीक है ना, GST में कन्वर्ट हो चुका है। एंड सेक्शन 119 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स यूज फॉर द कैपिटल कंसीलिंग, ठीक है, कॉन्फिस्केशन ऑफ स्मगल गुड्स, ठीक है, कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी चेंज इन द फॉर्म स्मगल गुड्स, कॉन्फिस्केशन ऑफ क्या आपका सेल प्रोसीड ऑफ द स्मगल गुड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन सब के ऊपर क्या हो रहा है आपका हटी एप्लीकेबल हो रही है। कॉन्फिस्केशन पेनल्टी हाइलाइट्स देखो, उन्होंने बोला एग्रीगेशन ऑफ कॉन्फिस्केशन, वो तो सीधी सी बात है, अब कॉन्फिस्केशन होगा कैसे होगा ये सब क्या किया जाता है आपका क्या कहते हैं प्रॉपर कोर्ट में इंक्वायरी होता है, कोर्ट में क्या कहते हैं सबसे पहले जब गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाता है उससे पहले जो सरकार होती है उसको कॉल नोटिस इशू करती है, वो ये आपसे पूछती है कि वैसे तो मुझे कॉन्फिस्केशन करना है, ये बता अगर तेरे पास कोई जवाब है कि भाई तूने ये काम क्यों किया तो कॉन्फिस्केशन क्यों ना करे, आगे मेरी बात समझ में, तो नोटिस इन राइटिंग विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑफिसर ऑफ कस्टम एंड नॉट विद द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑब्जर्व, वो तो सीधी सी बात है देखो साफ साफ लिख दिया कि क्या कहते हैं कस्टम ऑफिसर जो कि कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर AC से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए वो नोटिस क्या करेगा इशू करेगा, एंड सीधी सी बात है कुछ भी करने से पहले चाहे वो कॉन्फिस्केशन हो चाहे वो पेनल्टी हो उससे पहले आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑडियम पार्टम लाइक जिसमें आपको ये कहा जाता है कि अल्टीमेटली कि चाहे भले ही गलत हुआ है बट अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, एंड ऑप्शन नीड टू पे यू ऑफ द कि आपको कॉन्फिस्केशन ऑफ सेट फाइन, बिल्कुल सही बात है, देखिए अगर मान के चलिए कि कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसके लिए फाइन पे कर सकते हैं। फाइन पता क्या होता है, अगर कॉन्फिस्केशन हुआ है तो उस केस में उस चीज़ के लिए सबसे पहला मौका उसी बंदे को दिया जाता है जिसकी चीज़ को कॉन्फिस्केट किया गया, इसका मतलब उसको अपनी चीज़ को अब क्या कहते हैं पैसे में खरीदना पड़ेगा किससे, सरकार से, और पहला मौका उसे दिया जाता है, अगर वो नहीं खरीदता है तो फिर क्या कहते हैं दूसरे बंदे को मौका दिया जाता है। ऑन कॉन्फिस्केशन प्रॉपर्टी टू वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो मैंने आपको बताया था कि वो सरकार की हो जाती है, एंड अवार्ड ऑफ कॉन्फिस्केशन पेनल्टी बाय कस्टम ऑफिसर नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, बिल्कुल सही बात है, बट कोई कहना कि अगर मान के चलो कि उसने अपराध किया है तो कस्टम ऑफिसर तो पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन करके क्या कर देंगे छोड़ देंगे, बट उसने क्योंकि अपराध किया तो अल्टीमेटली वो CRPC या CPC में क्या किया जाएगा धरा जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड या फिर क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसमें जो अलग से सजा मिलेगी उसके लिए वो चीज़ अलग है। अगर आपने कई सारी मूवीज देखी हैं तो उस केस में कस्टम ऑफिसर तो केवल आपको पकड़ते हैं अपना काम करते हैं अपना वही जो उनका अपना पॉपर होता है उसको बिल्कुल करते हैं एंड देन उसके बाद पुलिस को सौंप देते हैं, पुलिस अपने यहाँ भी क्या करती रहती है उस बंदे को देखती रहती है, तो ये उन्होंने यहाँ पर क्या किया एक्सप्लेन किया। और इसके साथ ही हमारी ये वाली क्लास खत्म जाती है और उसके बाद केवल आपकी एक क्लास रह गई है जो आई विल डिस्कस इन द क्या आपका सैटरडे नहीं कल ही हो जाएगा आपको उसका टाइम, ठीक है, कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, ठीक है, एक क्लास अभी आपकी ऑर्डर लेगी और आपका बोल कर, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपको कोई भी चीज़ बोलूँगी, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे बताएंगे, ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।